हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। तो चलिए आज एक चिकन का डिश बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका कुछ नाम नहीं है, लेकिन ये मैंने बनाया था अपने गांव में, एक्चुअली मेरी मॉम के गांव में। हम सब कज़िन, मैं, मेरा भाई, हम सब खेत में थे और हमने सोचा कि कुछ पकाएं, लेकिन हम सब सामग्री लेके आ गए बट हमारे पास उसे काटने के लिए चाकू या फिर इस तरीके का कोई साधन नहीं था। तो हमने कैसे पकाया, कैसे किया, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, कम ऑन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं इस सिलबट्टे पे डाल रहा हूँ हरी मिर्ची, तकरीबन 12 लिए हुए हैं मैंने, तो ये मैंने डाल दिया 12 हरी मिर्ची। अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ लहसुन की कलियाँ, तकरीबन 17 से 18। मैंने ये छिलके नहीं उतारे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके छिलके उतार सकते हैं। ज़ीरा मैंने 3 छोटे चम्मच डाले और सौंफ भी 3 छोटे चम्मच। चलिए अब इन्हें पीस लेते हैं। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप चाहें तो मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया, इसे निकाल लेते हैं। मसाला तो पीस गया। मसाला पीसने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, मैं प्याज लूँगा और ऐसे एक सीख में इसे डाल दूंगा। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 2 प्याज 2 टमाटर। गैस को कर देते शुरू और पता नहीं किसका कुत्ता भौंक रहा है। और अब मैं इसे सेक लूँगा, ये इसे बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर देगा। इस कपड़े की ये दशा करने के लिए महा से तो मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं, तो जब वो ये वीडियो देखेगी वहाँ से, अपने घर से, अपने मॉम के घर से, तो उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ना बस सीधे पर्सनली फ़ोन करके गाली दे तो बेहतर है, कमेंट सेक्शन में नहीं देगी तो ठीक है। चलिए अब मैं इसे छील लूँगा थोड़ा ठंडा होने के बाद। जी हाँ, प्याज को भी मैं इसी तरह कूट लूँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ इस तरह ही कीजिए। लीजिए, प्याज तैयार हो गया है हमारा पिसके। इसे मैंने महीम पेस्ट नहीं बनाया है। टमाटर को मैं अपने हाथों से मसल दूँगा। जी हाँ, ये वही प्रोसेस है जो रसम बनाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। लीजिए, टमाटर को भी अच्छी तरह से मसल दिया है। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पे। कढ़ाई गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तेल। मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल हो गया गरम, अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगा। तो जैसे ही प्याज अपना रंग बदलना शुरू कर दे, हम उसमें ये मसाला डाल देंगे जो हमने अभी पीसा था। जैसे ही वो लहसुन अपना महक छोड़ देना, तो मैं उसमें डाल दूंगा अभी ये टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमें इस मसाले को अच्छे से भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आंच धीरे करके सारे मसाले डालना शुरू कर दूंगा। आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे कढ़ाई में तेल छूट रहा है। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च। मसाला डालते ही मैं इन्हें और 1 या 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगा। फिर से मैं आँच फास्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क दूँगा, हल्का सा। पानी डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला डाल रहा हूँ। बाज़ार में इजीली अवेलेबल है पैकेट्स में। मसाला बड़े ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, देखिए। मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, अब मैं इसमें डाल दूंगा चिकन। ये मैंने कुछ 600 ग्राम चिकन लिए हुए हैं। चिकन को एक क्विक मिक्स करके मैं इसमें फिर से डाल दूंगा पानी जितना मुझे इसमें चाहिए। तो आखिर में मैं डाल दूंगा इसमें नमक। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से।
इसको दे देते क्विक मिक्स। पानी आप बिल्कुल अपने हिसाब से डालिए, अगर आप पतला ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा और पानी डाल लीजिए, अगर आप सेमी ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी डालिए, और अगर आप बिल्कुल ग्रेवी या ऐसा नहीं चाहते, आप एकदम सूखा खाना चाहते हैं, तो आप चिकन डालते ही ढक्कन लगा दीजिए हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए। चिकन अपना पूरा पानी छोड़ देगा, फिर आप ढक्कन हटा के उसे मिक्स कीजिए तब तक के लिए जब तक वो पानी कम ना हो जाए, वो सोख ना ले। मैं सेमी ग्रेवी बना रहा हूँ इसलिए पानी डाल के ढक के हाई फ्लेम में रख दूँगा तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं फ्लेम स्लो करके तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगा। तो चलिए 5 मिनट हो चुके, हम भी देखते हैं इसका हाल। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हाई फ्लेम में 5 मिनट तक पकाने के बाद स्लो फ्लेम में और 20 मिनट पकाएंगे। तो लीजिए 20 मिनट पूरे हो गए हमारे और चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। आइए इसे हम सर्व करते हैं। गैस को बंद कर दीजिए अगर गैस की आवश्यकता ना हो तो, ऐसे वक्त में हर चीज़ को बचा बचा के इस्तेमाल कीजिए। ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। लीजिए तैयार हो गया हमारा चिकन करी, इसे चख के देखते हैं कैसा बना है। बहुत ही अच्छा और उसी दिन की तरह बहुत ही मज़ेदार और एकदम तीखा है। वाह, बहुत ही खूबसूरती से पका है। माफ कीजिएगा खाते खाते बात कर रहा हूँ, मगर बहुत ही खूबसूरती से एकदम पक गया है और बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आर्या किचन। बाय बाय।